ओम शांति। हम सभी संसार में बड़े से बड़े मनुष्य हैं, सृष्टि के आदि मनुष्य, पूर्वज मनुष्य आत्माएं, तो हमें बहुत कम बोलना चाहिए। जो रॉयल लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं बोलते, हम भी बहुत रॉयल हैं। बोल इस संसार में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। किसी के बोल महावाक्य कहलाते हैं, किसी के बोल बहुत वरदान बन जाते हैं, किसी के बोल सुखदाई हो जाते हैं, तो किसी के बोल दूसरों को जैसे कि मूर्छित से सुरजीत करने वाले बोलते हैं बनते हैं। सोच लें हमारे बोल कैसे हैं, हम कैसे बोलते हैं। हम ऐसे तो नहीं बोलते कि किसी के जीवन में निराशा आ जाए, हम ऐसे तो नहीं बोलते कि दूसरों के दिल दुख जाए। कईयों के बोल सचमुच बहुत कड़वे होते हैं। दुनिया में भी कई लोग ऐसे होते हैं, दूसरों की ग्लानी करते ही रहते हैं, चाहे अपनी पत्नी क्यों ना हो, उनके परिवार वालों के पीछे लगे रहते हैं। तुम्हारे ये भाई, तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं, वैसे हैं, कटु बोल कर अपने घर में वातावरण में कड़वाहट भरते रहते हैं। हमें याद रखना चाहिए, जैसे बोल हम दूसरों को बोलेंगे वैसे ही कभी ना कभी हमें भी सुनने पड़ेंगे। अब तो हम भगवान के बच्चे हैं, हम अपने कानों से भगवान की वाणी सुनते हैं, इस मुख से भगवान का संदेश सबको देते हैं। तो जिस मुख से भगवान का संदेश देते हैं उस मुख से हमें किसी की भी ग्लानी नहीं करनी है। ये एक बहुत सुंदर धारणा यदि हम अपना लें कि हमारे मुख के बोल दूसरों को सुख देने वाले हों, उनके पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने वाले हों, उनके जीवन में नई राहें दिखाने वाले हों, हमारे बोल सबको हल्का कर दें, भारी आत्माएं हमारे पास आएं लेकिन हल्की होकर जाएं, तो बोल पर बहुत ध्यान देना है। हम संकल्प करें आज से हम बहुत अच्छे बोल बोलेंगे, ताकि हमारे बोल सुनने के लिए लोग लालायित रहें, ताकि हमारे बोल भी दूसरों के लिए महावाक्य बन जाएं, ताकि हमारे बोल टेप रिकॉर्ड करने वाले बन जाएं, ताकि हमारे बोल किसी को नया जीवन देने वाले बन जाएं। कोई जीवन से निराश होकर मरने की सोच रहा हो और हमारे बोल सुनकर उसमें जीने का उमंग आ जाए, ऐसे बोल हमारे हों। इससे सभी लोग हमारे समीप आएंगे, हमारे समीप आएंगे तो बाबा के समीप आएंगे, बाबा के लिए उनमें प्यार बढ़ेगा। और जिस जो अंतर्मुखी होते हैं, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, जहां 50 बोल बोलने से काम चलना हो वहां 5 बोल बोल कर काम चलाएं। जिनका लंबा समय ऐसा अंतर्मुखता का अभ्यास होता है उन्हें वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बहुत बड़ी चीज है कि जो कुछ हम बोले वही सत्य हो जाए, वाक सिद्धि इसे कहते हैं। इससे हमारी बोल से दूसरों का बहुत कल्याण होगा। इतना ही नहीं, जिसे हम ज्ञान देंगे उस पर भी सीधा तीर लगेगा और वो बाबा के बन जाएंगे। तो विचार कर लें हमारे बोल कैसे होने चाहिए। तो आज सारा दिन एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, सवेरे शाम बहुत अच्छा अच्छा कर ले। हम परम सूक्ष्म लोक में हैं, सामने ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, उनके संपूर्ण स्वरूप में खड़े हैं, उनके अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, चेहरे के चारों ओर लाइट का बहुत सुंदर गोल्डन ताज है, होठों पर सुंदर मुस्कान है, ऐसे बाबा खड़े हैं और उनके सामने हम हैं। हमारी चमक बाबा की चमक से बहुत कम है। दोनों को कंपेयर करें, कभी बाबा की चमक को देखें, कभी अपनी चमक को देखें, और फिर अभ्यास करें कि परम धाम से शिव बाबा की किरणें हम पर पड़ने लगी
और हमारी चमक बढ़ने लगी। ऊपर से किरणें लगातार आ रही हैं और हमारी चमक भी धीरे धीरे बाबा जैसी हो गई। हम हो गए बाप समान, तो स्वमान रखेंगे मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। और ये अभ्यास दिन में कई बार करेंगे। ओम शांति।